Welcome back RPS YouTube channel. I am Hemlata Rathore. Today I am going to explain you layers of the atmosphere. This is the topic of class 6th and 7th. ठीक है, यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं एटमोसफियर की लेयर्स के बारे में. अंडरस्टूड? आप सभी को पता है एटमोसफियर जो है हमारी अर्थ का मेजर डोमेन है. यहाँ पे ऐसी गैसेस पाई जाती हैं जो अर्थ पे लाइफ को सपोर्ट करती हैं. उसके अलावा यहाँ पे कुछ ऐसे फिनोमिनल कंडीशंस चेंजेस होती हैं जो हमारी अर्थ के लाइफ फॉर्म्स को बहुत ज़्यादा जीवन देती है और लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम्स प्रोवाइड करती हैं. तो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पर लेयर्स के बारे में. हमारी एटमोसफियर की जो लेयर्स हैं वो 5 पार्ट्स में डिवाइड हैं. ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर एंड एग्जोस्फियर. सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ट्रोपोस्फियर से. ट्रोपोस्फियर इज द लोएस्ट लेयर ऑफ द एटमोसफियर. ये अर्थ की सरफेस से 18 किलोमीटर तक फैली हुई है. ठीक है, यहाँ पर वो सारे फिनोमिनल कंडीशन चेंजेस होते हैं जो हमें दिखाई देते हैं. जैसे रेनफॉल यहीं से आती है, क्लाउड्स यहीं बनते हैं. ठीक है, बिजलियाँ यहीं पे कड़कती हैं. हमारा जो वेदर है, हमारा जो क्लाइमेट है, जो टेम्परेचर जो चेंजेस होता है वो सब यहीं पे होता है. जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट गैसेस पाई जाती हैं एटमॉस्फेयर में वो भी सारी यहीं पे होती हैं. तो अगर देखा जाए तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेयर है. जैसे जैसे हम ट्रोपोस्फेयर में ऊपर जाते जाएंगे वैसे वैसे हमारा टेम्परेचर क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा. आप 165 मीटर ऊपर जाएंगे तो आपका 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा. आप सभी को पता है जब हम माउंटेन्स पे जाते हैं तो हमारा टेम्परेचर काफ़ी डिक्रीज हो जाता है. फिर हमारी सेकेंड लेयर होती है स्ट्रेटोस्फीयर. स्ट्रेटोस्फीयर में अगर देखा जाए तो और टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है. यहाँ पे कमर्शियल फ्लाइट्स जो हैं वो ज़्यादा रन करती, मतलब देखा जाए तो उड़ती हैं. यहाँ पे कमर्शियल फ्लाइट्स के लिए काफ़ी सुटेबल होता है. देन यहाँ पर एक लेयर पाई जा रही है ओजोन लेयर, जो कि हमें प्रोटेक्ट करती है सन की अल्ट्रावायलेट रेस से. सन की जो आने वाली हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेस हैं वो इस ओजोन लेयर से छन के हमारी अर्थ की सरफेस पर आती हैं, जो कि काफ़ी हार्मफुल होती है. उससे हमारी प्रोटेक्ट करती है स्ट्रेटोस्फीयर लेयर. देन जो थर्ड आता है हमारा मेसोस्फीयर. मेसोस्फीयर में टेम्परेचर और गिर जाता है. -100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर यहाँ पर रहता है. और अगर देखा जाए तो आपने देखा होगा कि रात में जब हम नाइट स्काई में देखते हैं तो हमें कुछ टूटते हुए तारे दिखाई देते हैं. जनरली वो टूटते हुए तारे नहीं होते हैं. हमारी जो स्पेस है, हमारे जो सोलार सिस्टम में जो स्पेस है, यूनिवर्स में जो स्पेस है, तो वहाँ पे ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे रॉक्स घूम रहे हैं. ठीक है, अर्थ के आसपास, सन के आसपास, जिसे मेटियोर्स कहा जाता है. तो जब वो मेटियोर्स हमारी अर्थ के एटमोसफेयर में एंटर करते हैं तो एटमोसफेयर में जो गैसेस पाई जाती है उन गैसेस की कॉन्टेक्ट में आने से वो जलने लग जाते हैं. ठीक है, तो वो हमें कौन से लेयर में दिख रहे हैं, मेसोस्फेयर में दिख रहे हैं वो. और हम उन्हें क्या समझते हैं, हम जनरली उन्हें समझते हैं टूटता हुआ तारा. बट वो टूटता हुआ तारा नहीं होता, वो मेटियोर्स होता है. और जब वो मेसोस्फेयर में आता है तो यहाँ टेम्परेचर बहुत कम होता है. कुछ गैसेस के अवेबिलिटीज की वजह से वो पत्थर जो है क्या है, जलने लग जाता है. ठीक है, और वो धीरे 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 जल के खत्म हो जाता है. तो वो कहाँ पे होता है, जनरली मेसोस्फेयर में होता है. फिर हमारे नेक्स्ट लेयर आती है थर्मोस्फीयर. तो थर्मोस्फीयर की अगर बात की जाए तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जनरली कि टेम्परेचर आपका बढ़ रहा है. अब यहाँ तक तो टेम्परेचर घट रहा था, बहुत डिक्रीज हो चुका था, -100 सेल्सियस हमने पढ़ा है. लेकिन अब ऊपर टेम्परेचर क्या हो रहा है, धीरे धीरे इंक्रीज होना शुरू हो रहा है. यहाँ पे जनरली आयोन्स की पार्टिकल्स पाई जाती हैं. ठीक है, जो रिफ्लेक्ट करती है रेडियो वेव्स को और बैक करती है अर्थ पर. यहाँ पे वायरलेस कम्युनिकेशन होता है और इस लेयर को आयनोस्फीयर भी कहा जाता है. थर्मोस्फीयर के साथ साथ में आयनोस्फीयर भी कहते हैं. देन लास्ट लेयर आती है हमारी एग्जॉस्फीयर. जो एग्जॉस्फीयर है वो 1600 किलोमीटर तक फैली हुई है. क्लियर, 1600 किलोमीटर फैली हुई है, मतलब अब यहाँ पे आप स्पेस में ही आ गए हैं. अब यहाँ पे जो दो इम्पॉर्टेंट गैसेस पाई जाती वो होती हैं हीलियम और हाइड्रोजन. और यहाँ पे हमारा एटमॉस्फेयर काफ़ी थीन लेयर में रह जाता है. तो जनरली जब हम यहाँ स्पेस में आ चुके हैं तो अब यहाँ पे क्या होता है कि अब हम फ्लोट करने लग जाएंगे. अब हम यहाँ पे क्या है, उड़ने लग जाएंगे. तो आपने देखा कि किस तरीके से 5 लेयर्स की अपनी इंपॉर्टेंस है. अब मैं आपको बता देती हूँ कि सारी लेयर्स कितने किलोमीटर फैली हुई है. ट्रोपोस्फीयर 18 किलोमीटर तक में फैली हुई है. स्ट्रेटोस्फीयर 50 किलोमीटर तक में. मेसोस्फीयर 80 किलोमीटर. थर्मोस्फीयर 400 किलोमीटर. और एग्जोस्फीयर जो आ जाता है, जो हमारी लास्ट लेयर है, अपर मोस्ट लेयर है एटमोसफियर की, वो है 1600 किलोमीटर तक फैली हुई है. ठीक है, तो ये जो है जनरली हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है ये सारी लेयर्स,
कैसे हमारे मतलब गैसेस प्रोवाइड कर रही हैं बहुत सारे मतलब यहाँ पे ओजोन लेयर प्रोवाइड कर रही है जो कि हमारी सन की हार्मफुल रेस से हमारी प्रोटेक्शंस करती हैं, और बहुत सारी फिनोमिनल कंडीशंस यहाँ पे चेंजेस हो रही हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने आज डिस्कस किया लेयर्स ऑफ द एटमोसफियर। थैंक यू।